अब दुनिया को चलेगा पता, दिल्ली में बनता है क्या सामान। दिल्ली के व्यापारियों के लिए दिल्ली सरकार ऑनलाइन दिल्ली बाजार लॉन्च करेगी। दिल्ली के बाजारों को ऑनलाइन लॉन्च करने से पूरी दुनिया जान सकेगी कि दिल्ली में क्या माल बनता है या बिकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को व्यापारियों की एक बैठक में कहा कि दिल्ली में होलसेल के बहुत से बाजार हैं, उनका हम एक पोर्टल बनाएंगे और उस पोर्टल में जिस जिस मार्केट में जो जो दुकानें हैं वहां क्या सामान मिलता है इसकी जानकारी पोर्टल पर दी जाएगी। किस औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या बनाया जाता है इसकी जानकारी पोर्टल में रहेगी। ऐसा करने पर ये चीजें पूरी दुनिया के सामने आएंगी। इसकी वजह से पूरे विश्व के लोग दिल्ली में बन रहे इन उत्पादों के बारे में जान सकेंगे और दिल्ली के व्यापारियों को पूरे विश्व से ऑर्डर मिलेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन के साथ बिजनेस का 3 दिन में होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते समय जो बिजनेस आधार नंबर देंगे उन्हें 3 वर्किंग डेज में इसकी मंजूरी मिल जाएगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने पिछले हफ्ते जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आधार ऑथेंटिकेशन को अधिसूचित किया था जो 21 अगस्त 2020 से लागू है। अधिसूचना के मुताबिक यदि व्यवसाय आधार संख्या नहीं देते हैं तो उनके भौतिक सत्यापन के बाद ही उन्हें जीएसटी पंजीकरण दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि 14 मार्च 2020 को आयोजित जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक में नए करदाताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण के आधार पर जीएसटी पंजीकरण देने को मंजूरी दी थी। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के चलते इसका इम्प्लीमेंटेशन टाल दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि भौतिक सत्यापन की स्थिति में 21 वर्किंग डेज या उससे अधिक समय लग सकता है। कोरोना काल में चीन ने जमकर की भारतीय उत्पादों की खरीदारी, 78% बड़ा निर्यात। सरकार महामारी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने पर जोर दे रही है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार एक ओर जहां भारत में चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन ने भारतीय सामानों का जमकर आयात किया। इस साल जून में चीन में भारतीय उत्पादों का निर्यात 78% बढ़ा है। चीन में भारतीय उत्पादों के निर्यात का प्रमुख कारण लोहा, स्टील, अयस्क और जैविक पदार्थों की मांग रही। दरअसल जिन देशों में कोरोना वायरस महामारी को काबू में कर लिया गया है वहां निर्यात बढ़ा है। सिर्फ चीन ही नहीं, भारत में अन्य एशियाई देशों में भी निर्यात में इजाफा हुआ है। बता दें कि भारत अपने कुल निर्यात का 16% एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में करता है। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।